नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर आक्रोश से भरा एक ऐसा भाषण दिया जिसे आप एक तरह की चुनावी रैली भी कह सकते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 88 मिनट तक भाषण दिया और कहा जा रहा है कि यह संसद में दिए गए सबसे लंबे भाषणों में से एक था। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे, लेकिन उनके भाषण में धन्यवाद की मात्रा कम थी और व्यंग ज्यादा था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस भाषा, जिस बॉडी लैंग्वेज और जिस आक्रोश का प्रदर्शन किया, उससे यह लग रहा था जैसे वो संसद में नहीं बल्कि किसी चुनावी रैली में बोल रहे हो। इसलिए आज आपको इस भाषण के हाइलाइट्स मिस नहीं करने चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और वीजा वाले रिश्ते हैं, लेकिन इन रिश्तों को लेकर दोनों देशों की सोच बिल्कुल अलग है। अमेरिका भारत से फायदा उठाना चाहता है, लेकिन भारत के लोगों को वीजा नहीं देना चाहता। आज हमारे पास कुछ ऐसे कागज मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि कैसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पद संभालने से पहले एक बिजनेसमैन के तौर पर भारत से 6 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 40 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन अब राष्ट्रपति बन जाने के बाद वो भारत के प्रोफेशनल्स को मिलने वाले H-1B वीजा की शर्तों को सख्त बनाना चाहते हैं। ये भारत सरकार की कूटनीतिक हिम्मत को चुनौती देने वाली खबर है और इस खबर से भारत के प्रोफेशनल्स का हित भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आज इसका विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे। हम जब भी लोगों से बात करते हैं तो उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि मीडिया में पूर्वोत्तर राज्यों की खबरें नहीं दिखाई जाती। मीडिया का सारा ध्यान सिर्फ कुछ चुने हुए राज्यों और सुविधाजनक शहरों पर रहता है। हमें लगता है कि लोगों की ये शिकायत जायज है और हम लगातार उनकी ये शिकायत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको मणिपुर की तकलीफें दिखाई थी, आज हम आपको मेघालय में मौजूद देश के सबसे सहनशील गांव में लेकर चलेंगे जिसका नाम है रौबा। ये वो इलाका है जहां आज तक मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचा और जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं भी वहां नहीं पहुंची। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेघालय के लगभग आधे से ज्यादा गांव गरीब हैं। हमने मेघालय के ग्रामीण इलाकों में जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। हम मानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य भी भारत का ही हिस्सा हैं और उनकी तकलीफें और उनकी सफलताएं भी किसी भी दूसरे राज्य से कमतर नहीं है। इसी सोच के साथ आज हम ये स्पेशल डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत ने पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के बैन का मसला चीन के सामने उठाया है। दरअसल अजहर पर बैन का एक प्रस्ताव अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर यूएन में रखा था। ये प्रस्ताव पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के एक दिन पहले पेश किया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को भी चीन ने आगे नहीं बढ़ने दिया। हमें इस घटना के बारे में जानकारी मिली है और हमने चीन की सरकार के साथ इस मसले को उठाया है। चीन ने पिछले साल दिसंबर में भी मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के बैन लगाने के एक और प्रस्ताव को रोका था। उत्तराखंड में कल रात आए भूकंप के बहाने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जवाबी हमला बोला। पीएम ने कहा, कुछ नेता स्कैम को भी सेवा कहते हैं, इसलिए भूकंप आया। स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है तो सिर्फ माँ नहीं, धरती माँ भी दुखी हो जाती है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने जवाब में पीएम ने नोटबंदी को सही समय पर उठाया गया सही कदम बताया। डीमोनेटाइजेशन के लिए यह समय इतना पर्याप्त था कि देश की अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त थी। अगर दुर्बल होती हम ये कतई सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। पीएम ने अपने भाषण में आपातकाल का जिक्र किया और कांग्रेस पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की आपदा का मजाक उड़ाया और आजादी के आंदोलन का अपमान किया, लेकिन लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। राहुल के साथ मेरठ की एक जनसभा में पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी कांग्रेस गठबंधन की आंधी चल रही है। जो लोग आंधी और हवाओं की बात कर रहे हैं, कम से कम ये जानते होंगे अगर आंधी किसी की चल रही है तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनाने के लिए आंधी चल रही है। पनीर सेल्वम की जगह तमिलनाडु की बागडोर संभालने की शशिकला की राह में अड़चने बढ़ गई हैं।
जयललिता की मौत पर सवाल उठाते हुए उनकी भतीजी ने आज कहा कि 33 बरस तक किसी के साथ रहना सीएम पद की योग्यता नहीं होती है। आई डोंट थिंक इट इज द राइट थिंग टू डू बिकॉज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी द चीफ मिनिस्टर एंड नो वन शुड बी फोर्स्ड ऑन द पीपल। AIADMK के पूर्व सांसद PH पांड्यान ने भी ये दावा कर सबको चौंका दिया कि मौत से पहले जयललिता से धक्का मुक्की हुई थी। There are several sources which have now said that there are certain things to be probed. Now all matters are now sub judice before the court of law. AIADMK से निष्कासित सांसद शशिकला पुष्प ने मांग रखी है कि शशिकला नटराजन के पार्टी महासचिव बनने को चुनाव आयोग मंजूरी न दे। The Honorable Prime Minister, that they should intervene in this issue because public people of Tamil Nadu have not voted to Madam Shashikala Natarajan. They have voted only to the former Chief Minister Madam Jayalalitha. Shashikala ko aaj Tamil Nadu ke CM pad ki shapath leni thi, lekin Rajyapal Vidya Sagar Rao Chennai mein maujood nahi the. Shashikala ko CM pad ki shapath se rokne ke liye Supreme Court mein ek yachika bhi dair ki gayi hai. Iske alawa unke khilaf signature campaign bhi chalaya ja raha hai. NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर मानेसर की सुरक्षा में बड़ी सेंध का मामला सामने आया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मानेसर में बीती रात जानवरों के 3-4 तस्कर पुलिस चेक पोस्ट तोड़ते हुए NSG कैंपस में घुस गए। रोके जाने पर उन्होंने ड्यूटी पर तैनात NSG कमांडो पर गोली चला दी। गुरुग्राम की खेड़ की दौला थाने में पुलिस ने घुसपैठ और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सोच रहे थे किसी फैक्ट्री वगैरह की दीवार है तो वो NSG की दीवार थी और जैसे ही उन्होंने दीवार कूद के अंदर गए तो संतरी ने अलर्ट किया, संतरी ने अलार्म किया उसको और फिर संतरी ने जवाब ना मिलने पर संतरी ने फायर किया। NSG ने आज सुबह पूरे कैंपस की तलाशी ली लेकिन कोई भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने दीवार फाड़ने के 2 आरोपियों की शिनाख्त कर ली है। इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल शिवसेना का चेहरा होंगे। हार्दिक पटेल ने आज मुंबई में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हार्दिक को शिवसेना का पूरा समर्थन मिलेगा। हार्दिक पटेल BMC चुनाव में शिवसेना का प्रचार कर सकते हैं। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इन परिवार के नाते इनके साथ खड़े रहेंगे, जहां भी जरूरत किसी भी प्रकार की। और मैं बाला साहब ठाकरे का बड़ा प्यार हूं, इसीलिए फैल है कि उनके विचार, उनकी ताकत, उनका जोश, उनका जुनून जो हर एक युवा दिन के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए वो एक बड़ा था। 21 फरवरी को मुंबई महानगर पालिका के लिए चुनाव होना है। यूपी चुनाव में आज सभी बड़ी पार्टी के नेताओं ने चुनावी सभाएं की। मेरठ में अखिलेश यादव ने 5 जबकि राजनाथ सिंह और अजीत सिंह ने 1-1 चुनावी रैली की। अब तो हैंडल पे कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है तो सोचो कितनी रफ्तार से साइकिल चलेगी। BSP प्रमुख मायावती ने गाजियाबाद और संभल में चुनावी सभा की। वे खुद तो शीशे के घर में रहते हैं लेकिन दूसरों के घरों में पत्थर मारना नहीं भूलते हैं। कलागरा में डिंपल यादव और जया बच्चन कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए प्रचार करेंगी। मुलायम सिंह भी 11 फरवरी को इटावा से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ पहुंची और दंगा पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज इतने लोग इतने दुख में जो है उसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है और सरकार उनको ढकने का काम कर रही है, सरकार उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। 13 दिसंबर को कोलकाता से करीब 30 किलोमीटर दूर धूलागढ़ में मिलाद उल नबी के मौके पर जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी। कानपुर के पुखराया रेल हादसे के मास्टरमाइंड और ISI एजेंट शमसुल होदा को नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने होदा को 3 साथियों के साथ काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। होदा दुबई में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम दे रहा था। भारतीय जांच एजेंसियों और नेपाल पुलिस के दबाव के बाद उसे दुबई से नेपाल डिपोर्ट किया गया था। इन्होंने घोड़ासैन में बम रखा है और आदापुर नगरदेह स्थित रेलवे स्टेशन में इन लोगों ने बम रखा है। ये दो जगह का अपराध इन्होंने स्वीकार किया है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी मामले में नेपाल से गिरफ्तार ब्रज किशोर गिरी के पास से एक ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें कानपुर रेल हादसे की साजिश की बातचीत रिकॉर्ड है। इस ऑडियो क्लिप की जांच की जा रही है।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुए आत्मघाती ब्लास्ट में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 48 लोग जख्मी हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब छुट्टी के बाद कोर्ट के कर्मचारी दफ्तर के बाहर निकल रहे थे। अब तक किसी भी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की मंजूरी दे दी। मुंबई के KEM अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कोर्ट को यह बताया गया कि गर्भ में पल रहे बच्चे के बचने की उम्मीद कम है, क्योंकि बच्चे में दूसरी गंभीर कमियों के साथ साथ किडनी भी मौजूद नहीं है और ऐसे में माँ की जान को भी खतरा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बच्चे के जन्म लेने के बाद भी उसका बच पाना मुश्किल है। भारत में 20 हफ्ते के बाद गर्भपात की मंजूरी नहीं है और इस मामले में महिला को 21वें हफ्ते में बच्चे की नाजुक हालत के बारे में पता लगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में मुंबई की एक महिला को 24वें हफ्ते में गर्भपात की मंजूरी दे दी थी। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के दिल्ली के घर में चोरी हो गई। चोर उनके ग्रेटर कैलाश पाटू के घर से नोबेल पुरस्कार की रेप्लिका और सर्टिफिकेट चुरा ले गए। इसके साथ ही चोरों ने घर से कैश और गहनों को भी चुराया। नोबेल मेडल था, वो मेडल का बॉक्स नीचे बाहर गिरा हुआ मिला, तो इसका मतलब वो मेडल भी गायब हो गया और साथ में जो भी सामान था वो सब कुछ गायब है। कैलाश सत्यार्थी इस वक्त एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया गए हैं। कॉमन बात इन तीनों घरों में ये है कि इनके जो रेजिडेंट्स हैं ये कुछ दिनों से यहाँ पे मौजूद नहीं थे। इस चीज की भी गुंजाइश है कि रेकी की गई हो इलाके की और आइडेंटिफाई किए गए हैं पॉसिबल टारगेट्स। बेसहारा बच्चों का बचपन बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।